इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश के 14 लाख से ज्यादा बच्चों के लिए सबसे जरूरी और बड़ी खबर, सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। कोरोना के कारण इस साल सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की सीनियर मंत्रियों और अफसरों के साथ मीटिंग में यह बड़ा और अहम जरूरी फैसला लिया। प्रधानमंत्री ने परीक्षा से ज्यादा छात्रों की सेहत और सुरक्षा को जरूरी बताया। इस फैसले के बाद आईसीएसई बोर्ड ने भी 12वीं की परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया है। तो इस वक्त की बड़ी और जरूरी खबर हम आपको बता रहे हैं। 14 लाख से ज्यादा बच्चों के लिए यह खबर बेहद जरूरी है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह फैसला है। 12वीं की परीक्षा क्यों और कैसे रद्द हुई, पूरी खबर आपको डिटेल में समझाते हैं। तो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई है। कोरोना सबसे बड़ा कारण, कोरोना की वजह से 12वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई मीटिंग में यह फैसला लिया गया। मीटिंग के दौरान अफसरों ने पीएम के सामने डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दी। राज्य सरकारों समेत सभी स्टेक होल्डर्स की राय पर चर्चा हुई। परीक्षा से जुड़े सभी लोगों के फीडबैक पर भी इसको लेकर बात हुई और इसके बाद छात्रों के हित में सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा रद्द करने का फैसला हुआ। सीबीएसई के बाद आईसीएसई ने भी परीक्षा रद्द कर दी है। अब 12वीं का रिजल्ट तय समय में देने का फैसला हुआ है और इसके लिए साफ सुथरा और बेहतरीन मेथड अपनाया जाएगा। इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा, भारत सरकार ने सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की क्लास की जो परीक्षा है उसे रद्द करने का फैसला लिया है। लंबी चर्चा के बाद हमने ये फैसला लिया जो छात्रों के हित में है, जो हमारे युवाओं के स्वास्थ्य के साथ साथ उनके भविष्य की भी सुरक्षा करने वाला है। मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 बड़ी बातों पर जोर दिया। उन्होंने कहा, छात्रों के हित में 12वीं की परीक्षा पर फैसला जरूरी है। छात्रों की सुरक्षा और सेहत सबसे बड़ी प्राथमिकता है। परीक्षा पर स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स की फिक्र को खत्म किया जाना जरूरी है। छात्रों को परीक्षा के लिए बाध्य करना ठीक नहीं है। इस वक्त छात्रों के प्रति संवेदनशीलता दिखाना भी बेहद जरूरी है। तो ये 5 बड़ी बातें जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जिस मीटिंग में 12वीं बोर्ड की परीक्षा पर फैसला हुआ उसमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। उन्होंने परीक्षा रद्द करने के फैसले के पीछे की पूरी कहानी बताई। दो प्रकार की मत था, एग्जामिनेशन होनी चाहिए, एग्जामिनेशन बंद होनी चाहिए। एक 100 प्रश्न सरकार के सामने था, लेकिन आज सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, विशेष करके प्रधानमंत्री जी आज की माहौल को देखते हुए, देश की भविष्य की स्वास्थ्य को सुरक्षित करने के लिए कोई जोखिम ना उठाते हुए 12वीं की परीक्षा को रद्द किया है। परीक्षा तो रद्द हो गई, अब सवाल यह उठता है कि रिजल्ट कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो इस पर भी डिटेल चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि इंटरनल असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट जारी होगा। 12वीं के रिजल्ट के लिए स्टूडेंट्स की 9वीं, 10वीं, 11वीं का इंटरनल असेसमेंट होगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होगा तो उसे एग्जाम का भी मौका मिलेगा। हालांकि ये मौका कोरोना से हालात सुधरने के बाद ही मिलेगा। फिलहाल रिजल्ट के फाइनल फॉर्मूले का इंतजार है। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा रद्द होने के बाद अब स्टेट बोर्ड्स पर भी एग्जाम कैंसिल करने का दबाव है। हरियाणा ने तो 12वीं की परीक्षा रद्द करने का ऐलान भी कर दिया है। अब यूपी सरकार भी जल्द ही इस पर फैसला लेगी। राजस्थान और महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो यहां पर भी स्टेट बोर्ड के एग्जाम पर जल्द से जल्द फैसला आ सकता है। जबकि बिहार में कोरोना की दूसरी लहर के कहर से पहले ही परीक्षा के बाद रिजल्ट भी जारी हो चुका है। दिल्ली सरकार पहले से 12वीं की परीक्षा रद्द करने के पक्ष में थी। ऐसे में केंद्र सरकार के इस फैसले पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने खुशी जाहिर की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी केंद्र के फैसले का स्वागत किया है और स्टेट बोर्ड के एग्जाम पर भी जल्द ही फैसला लेने का ऐलान किया गया है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि बच्चों के हित में फैसला लिया गया है, बच्चों को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है, क्योंकि देश भर के 1.5 करोड़ बच्चे इस बात से दुखी थे कि उनकी 12वीं की क्लास लगातार खिंचती जा रही है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। दूसरी तरफ उनके मन में ये भी था कि अब हम आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे जब 12वीं खत्म नहीं होगी, और अगर परीक्षा देने के लिए बाध्य किया जाएगा तो उसका नुकसान यह है कि आज जिस तरह से देश में कोरोना बढ़ रहा है उसमें उनकी जान को खतरा था। कोई भी पेरेंट नहीं चाहता था कि उसके बच्चे को उसकी जान पे खेल के परीक्षा दिलवाई जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्णय आया है उसके संदर्भ में हम लोग पूरे प्रदेश की स्थिति का
परीक्षण करेंगे, अवलोकन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में हम लोग बैठ के पूरी प्रदेश के संदर्भ में स्थितियों का आकलन करते हुए, जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी हैं उनसे भी बात करने के बाद, हम लोग 12वीं की परीक्षा के संदर्भ में किस प्रकार का क्या निर्णय ले सकें, इसकी तरफ हम लोग विचारोपरांत ही हम लोग इसके तरफ बढ़ेंगे। तो वहीं 12वीं के एग्जाम्स को लेकर स्टूडेंट्स से लेकर पेरेंट्स तक टेंशन में थे। महामारी की वजह से परीक्षा पर भारी सस्पेंस बना हुआ था, ना छात्रों को कुछ समझ आ रहा था ना ही उनके अभिभावकों को। लेकिन अब तस्वीर साफ हो गई है, परीक्षा रद्द होने से स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स में कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल है। मेरे हिसाब से एग्जाम कैंसिल हो गई बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी हेल्थ सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आती है। ठीक भी हुआ है, गलत भी हुआ है। एक्चुअली हमारा मतलब इतना सारा प्रिपरेशन किया वो भी वेस्ट गया है, बट एक सेफ्टी के मेजर से देखा जाए तो ये हमारे लिए ठीक भी है। मैं इस फैसले को सही मानती हूँ, क्योंकि सारे बच्चे अभी तक वैक्सीनेट नहीं हुए थे और एग्जाम्स होते तो फिर इन्फेक्शन ज्यादा होता। दुविधा की स्थिति थी, तो एक तरह से तो अच्छा ही हुआ कि कम से कम एक निर्णय हो गया कि अब एग्जाम नहीं हो रहे हैं, पर दूसरी तरफ एक दुख भी हुआ क्योंकि बच्चा पूरे 1.5 साल से तैयारी कर रहा था। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के साथ में सीबीएसई बोर्ड की तैयारी एक काफी बड़ा प्रयास होता है बच्चे का। मैं सीबीएसई बोर्ड के कैंसिलेशन के डिसीजन से खुश हूँ, और मैं जहाँ तक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की बात आती है, मैं दिल्ली सरकार के सुझाव से भी सहमत हूँ कि पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे हमें इस साल मार्क्स मिल जाएं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के इस कदम से कि बच्चों की परीक्षाएं ना ली जाएं सीबीएसई बोर्ड की, ये थोड़ी सी राहत की बात है, क्योंकि पूरे साल पढ़ाई भी नहीं हुई, बच्चों पर बहुत ज़्यादा तनाव भी था। प्रधानमंत्री मोदी का मैसेज क्लियर है, कोरोना काल में बच्चों की सेहत से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कोरोना के बीच और तनाव के माहौल में बच्चों के दिमाग पर दबाव नहीं डाला जा सकता। एग्जाम रद्द करने का फैसला अचानक नहीं हुआ, हमारे पास पीएम मोदी की ऐसी एक नहीं बल्कि 25 मीटिंग्स की डिटेल्स हैं। इससे आप समझ जाएंगे कि पीएम ने फैसला क्यों लिया और उनके फैसलों के पीछे कोई तो बड़ी वजह होती है। मंगलवार को मोदी के हाथ में बच्चों की फ्यूचर वाली डायरी थी। मोदी डायरी पलट पलट कर पॉइंट बाय पॉइंट एक एक बात नोट कर रहे थे। सामने की स्क्रीन पर पीयूष गोयल थे, प्रकाश जावड़ेकर थे, राजनाथ सिंह थे, शिक्षा मंत्रालय के दोनों सचिव थे, सीबीएसई के चेयरमैन भी मौजूद थे। मीटिंग का एजेंडा यही था कि इस बार 12वीं की परीक्षा होगी या नहीं, बच्चों के भविष्य का सवाल था। इसलिए करीब 50 मिनट तक मंथन हुआ। मोदी को सारे पॉसिबल ऑप्शन बताए गए, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, सबकी प्रेजेंटेशन दी गई। और कोरोना के काल को देखते हुए फैसला ले लिया गया, इस बार सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा रद्द हो चुकी है। मोदी का मैसेज क्लियर था, छात्रों की सेहत से समझौता नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने सहयोगियों के साथ और जो सीबीएसई बोर्ड के चेयरमैन हैं और तमाम एजुकेशन मिनिस्ट्री के अफसरान हैं उनके साथ बैठक की। टॉप मोस्ट लेवल पर, प्रधानमंत्री के लेवल पर यह फैसला हुआ है। इसे आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला है, एक्सपर्ट्स की राय जानने के बाद, कि इस बार सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स नहीं होंगे। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि लाखों बच्चे पिछले कुछ महीनों से लगातार इस अधर में लटके हुए थे कि उनको इम्तिहान देने पड़ेंगे तो वो कैसे देंगे। अब ये ऑर्डर की जो प्रेस रिलीज जारी हुई है प्रधानमंत्री की बैठक खत्म होने के बाद, मैं आपको सीधे स्क्रीन पर वो दिखा रहा हूं। इसकी ऊपर टॉप जो इसका जो हेडर है वही है, सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स कैंसल्ड। सीबीएसई के क्लास की 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम कैंसल हो गए हैं, ये नहीं होंगे। और उसके नीचे लिखा है, जो बच्चे ये जानना चाहते हैं कि अब नतीजा कैसे आएगा, तो उसका उसके बारे में बताया गया है, क्लास 12 रिजल्ट्स विल बी मेड एज पर अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया इन अ टाइम बाउंड मैनर। उसकी डिटेल नहीं दी गई है, लेकिन ये कहा गया है कि एक समय अवधि के अंदर, एक सीमित समय अवधि के अंदर, एक वेल डिफाइंड क्राइटेरिया के तहत ये तय किया जाएगा क्या पैमाना बनाया जाए और उसके तहत मूल्यांकन किया जाएगा और जल्द रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन डिसीजन और क्लास 12 सीबीएसई एग्जाम हैज बीन टेकन इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। प्रधान पीएम यानी प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि ये बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया, उनके बेस्ट इंटरेस्ट में लेकर किया गया है। हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ आवर स्टूडेंट्स इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस एंड देयर वुड बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस एस्पेक्ट। प्रधानमंत्री ने बैठक में ये कहा है
कि बच्चों की सुरक्षा सब सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी कीमत पर इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, उनके बीच में जो एक संशय था, एंग्जाइटी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, बिल्कुल सटीक शब्द है ये, क्योंकि ये एक एंग्जाइटी थी सबके अंदर, क्या होगा इस माहौल के बीच, कैसे इम्तिहानों को हम कंडक्ट करेंगे। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि वो संशय, वो एंग्जाइटी खत्म करना जरूरी था, इसलिए ये फैसला लिया गया है और स्टूडेंट शुड नॉट बी फोर्स टू अपीयर फॉर एग्जाम्स इन सच अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि किसी भी बच्चे को मौजूदा हालात में, तनावपूर्ण हालात में एग्जाम देने के लिए, इम्तिहान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। 4 अप्रैल से अब तक प्रधानमंत्री की 26 हाई लेवल मीटिंग्स, कोरोना मैनेजमेंट पर ओवरऑल कोऑर्डिनेशन के लिए अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 14 वर्चुअल बैठकें, मोदी के इंस्ट्रक्शन पर अब तक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की 24 डिस्कशन हुई है, मोदी के कहने पर हेल्थ मिनिस्ट्री राज्यों के साथ 97 रिव्यू मीटिंग्स कर चुका है, अलग अलग विभागों के एडमिनिस्ट्रेटर्स टाइमली रिस्पॉन्स और टेक्निकल सपोर्ट के लिए 120 से ज्यादा डिस्कशन कर चुके हैं। देखने सुनने में आपको ये सिर्फ नंबर्स लग सकते हैं, मोदी विरोधी इसे पब्लिसिटी स्टंट कह सकते हैं, ऑक्सीजन से वैक्सीन तक मोदी को घेर सकते हैं, राहुल जीरो वैक्सीन नीति के स्क्रिप्ट लिखकर मोदी को कोस सकते हैं, राहुल की देखा देखी प्रियंका गांधी वाड्रा भी वैक्सीन वितरण नीति के बहाने मोदी पर सियासी हमले कर सकती है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की टाइमलाइन पर जिम्मेदार कौन वाला पर्चा फैल सकता है, मगर इन सबके बीच इस आपदा काल में कोई मोदी की नीयत पर सवाल खड़े नहीं कर सकता। मोदी को देश के वर्तमान की भी फिक्र है और देश के भविष्य की भी चिंता है। मोदी को 134 करोड़ की आबादी वाले भारत को भी कोरोना से बचाना है और देश के बच्चों का फ्यूचर भी बनाना है। मंगलवार को 12वीं की परीक्षा को लेकर मोदी की मीटिंग का एजेंडा यही था। मुश्किल वक्त में सख्त फैसले लेने पड़ते हैं, प्रधानमंत्री को पता है, दवाई भी जरूरी है, कड़ाई भी जरूरी है और साथ ही साथ पढ़ाई भी उतनी ही जरूरी है। इस बीच कोरोना के फ्रंट से कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं। इंडिया में कोरोना की सेकेंड वेव का ग्राफ तेजी से नीचे जा रहा है, नए नंबर सुकून देने वाले हैं। 54 दिनों में पहली बार भारत में सबसे कम 127,510 डेली न्यू केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। नए केसेस का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है, पिछले 5 दिनों के फिगर्स देख लीजिए। 28 मई को नंबर्स थे 186,364, 29 मई को 173,790, 30 मई को 165,553, 31 मई को 152,734 और अब 127,000 से थोड़ा ज्यादा। इस डेटा का बिग पिक्चर ये है कि 7 मई को आए पीक के बाद देश में करीब 70% केसेस में कमी आई है। 43 दिन में पहली बार, जी हां, 43 दिन में पहली बार भारत का एक्टिव केस लोड 18,95,520 पर आया है, यानी 20 लाख के अंडर, जो राहत की बात है। पिछले 24 घंटे में 130,572 केस घटे हैं। देश के अलग अलग जिलों से भी गुड न्यूज आने लगी है। 28 अप्रैल से 4 मई के बीच जहां 531 जिलों में हर रोज 100 से ज्यादा केस आ रहे थे, अब उन जिलों की संख्या सिर्फ 295 रह गई है। जिलों से ही नहीं, देश के राज्यों से भी अच्छी खबरें आ रही हैं। देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले एक हफ्ते से लगातार नए केसेस के नंबर घटे हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज ये है कि देश के 32 राज्य ऐसे हैं जहां रिकवर करने वालों की संख्या डेली न्यू केसेस की तुलना में ज्यादा है। न्यू केसेस की तुलना में नई रिकवरी के नंबर्स लगातार 19वें दिन बढ़े हैं। 28 मई को रिकवर करने वालों का आंकड़ा था 2,59,459, 29 मई को 2,84,601 लोग रिकवर हुए, 30 मई को 2,76,309, 31 मई को 2,38,022 और 1 जून को रिकवर करने वालों के नंबर्स रहे 2,55,287। देश का रिकवरी रेट 92% से ज्यादा हो गया है और इसमें टेस्टिंग का रोल अहम रहा है। अब तक देश में 34 करोड़ से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। इस वक्त देश में हर रोज 20 लाख से ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। अर्ली टेस्टिंग का नतीजा ये हुआ कि केस पॉजिटिविटी रेट में कमी आई है।
मसलन 4 से 10 मई के दौरान केस पॉजिटिविटी रेट 21.38% था, 11 से 17 मई को 16% से थोड़ा ज्यादा, 18 से 24 मई को 11% से थोड़ा ज्यादा और 25 से 31 मई के बीच ये नंबर 8% पर आ गए, यानी नंबर्स पर लगातार गिरावट आए हैं। 7 मई को देश के सिर्फ 92 जिलों में पॉजिटिविटी 5% से कम थी, मगर 31 मई खत्म होते होते इन जिलों की संख्या 344 हो गई। ये हुई कोरोना के नंबर्स की बात, मगर पिछले कई दिनों से देश में वैक्सीन को लेकर जबरदस्त सियासत हो रही है। कोई कैमरे पर कह रहा है कि वैक्सीन नहीं है, केंद्र सरकार वैक्सीन दे, राहुल, प्रियंका और कांग्रेस की टाइमलाइन पर वैक्सीन का जिक्र है और मोदी विरोध की स्क्रिप्ट है। फैक्ट्स की बात किसी को नहीं करनी, बस हिडन एजेंडा चलाना है। एक लेटेस्ट एग्जांपल केरल के मुख्यमंत्री का है। कुछ घंटों पहले केरल के सीएम ने अशोक गहलोत, ममता बनर्जी और कैप्टन अमरिंदर सिंह सहित देश के 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जैसे भारी शब्दों का इस्तेमाल किया, बाद में एक एक करके सबको टैग भी किया। चिट्ठी का एजेंडा वैसे तो वैक्सीन था, मगर वैक्सीन वाले एजेंडे के पीछे मोदी विरोधी शब्द छिपे हुए थे। अब इसे शुद्ध रूप से वैक्सीन की पॉलिटिक्स क्यों ना कहा जाए। याद कीजिए राहुल की यह चिट्ठी, राहुल ने खुद प्रधानमंत्री मोदी से कहा था वैक्सीन की खरीद और उसके बंटवारे में राज्यों को ज्यादा शक्ति दी जाए। इस सियासत के बीच असली नंबर ये है कि देश में 21 करोड़ 60 लाख लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। राज्यों को फ्री ऑफ कॉस्ट कैटेगरी और डायरेक्ट स्टेट प्रोक्योरमेंट कैटेगरी के तहत 23 करोड़ 18 लाख 36,510 वैक्सीन डोज अवेलेबल कराई जा चुकी है और राज्यों के पास अभी भी 1 करोड़ 57 लाख 74,331 वैक्सीन डोज मौजूद है। 1 मई से लागू हुई फेज 3 की नई स्ट्रेटेजी के तहत हर महीने सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी से क्लियर हुई वैक्सीन की 50% डोज भारत सरकार प्रोक्योर करेगी और ये डोज हर राज्य को पहले की तरह मुफ्त में दी जाएगी। 12वीं के एग्जाम्स को लेकर महाराष्ट्र से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, पूरी डिटेल बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।